أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولو القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين सद्ज़ीम मोहतरम सामीन ग्राम और मोहतरम नाजरीन अभी आप लोगों के सामने सूरत की एक आयत की तलावत की गई है आयत नंबर छिहत्तर की अब यहाँ पर क़ारून का क़स्ा बयान हो रहा वाक़ बयान हो रहा है कौन था ये मूसा आसमाम के दौर का आदमी है और बहुत पैसे वाला आदमी है बहुत मालदार था और बनी इसराइल में से था लेकिन जब शरीयत के तकाजे के तहत इससे ख़र्च करने के लिए कहा जाता और सदक़ात में इससे जो है तलब किया जाता तो ये पार्टी ही चेंज करके फिरौन की पार्टी ज्वाइन कर लिया था बिल आखिर अल्लाह तबारक व तैयार ने इसको ज़मीन में धसा दिया और इसे निशान इबरत बना दिया तो इस लिहाज से इसका किस्सा बहुत इबरत आमोज है और ख़ास तौर से मादा प्रस्ता ज़माने में या मादा प्रस्ती के दौर में बहुत ही ज़्यादा यह रेलिवेंट है तो ये देखिए इसका किस्सा है सात आठ आयतों में इन न कान मिनको में मूसा बेशक क़ारून जो था वो मूसा आलाम के कॉम का फ़र्द था यानी बनी इसराइल में से था फबा आलम लेकिन उसने उन लोगों के ख़िलाफ़ बगावत कर दिया था यानी बनी इसराइल को छोड़ करके और अल फ़िरौन को ज्वाइन कर लिया था अब वो क्या था पैसे वाला था कितना पैसे वाला था तो ता अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने उसको इतना ख़जाना दिया था कि उसके ख़जाने की जो चाबियां थी एक बड़ी जमात मुश्किल से उसकी चाबियां उठा पाती थी इतना ख़जाना था वह आता तीना हूँ मिनलकनूस और मैंने उसे खजाने अता किए थे माँ इन्ना मफातः हो कि उसके ख़जाने की जो चाबी हैं लतनु उबिलस्बत वल्कुआ तो एक ताक़तवर जमात मुश्किल से उसकी चाबी को उठा पाती थी इतना ख़जाना था लेकिन जब वो इतराता था तो समझ समझाने वाले लोग समझाते थे इस कल कौम हो तो याद करो जब उसे कहा उसके कौम के लोगों ने यानी समझदार लोगों ने बुजुर्ग लोगों ने ला तफ़रह इतराओ मत अकड़ो मत इन आला हिब्बलफरहीन बेशक अल्लाह ताला इतराने वाले को पसंद नहीं करता तो ये मक़ला बिल्कुल मशहूर है कि खुदा जब हुसन देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है तो दौलत देता है तो घमंड वग़ैरह लाजमी हिस्सा है तो लोगों ने समझाया कि ऐसा मत करो बल्कि करो क्या वब तगे फ़ीमा आता कल्लाहुदारखरा बल्कि जो कुछ भी अल्लाह ताला ने तुमको नवाज़ा है उसके ज़रिए से आखरत का घर तलाशने की कोशिश करो उसको संवारो अवला तन ससीब का मिनत दुनिया और दुनिया में से अपना हिस्सा उसको भी फरामोश मत करो यानी खुद भी खाओ पियो और फिर खेश वक़ारिब का भी ख्याल रखो और आखरत भी संवार लो रब बना आतना फिर दुनिया हसन व फिल आखर हसन दोनों बनाओ वहसन कम अहसन अल्लाह और एहसान करो जैसे अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है अल्लाह ने तुमको नवाज़ा है तुम उसके दूसरे बंदों को गरीब बंदों को नवाजो अवला तफ़िल फसाद फिल्स और ज़मीन में फसाद फैलाना मत चाहो इन अल्लाह लाब्बुलमफदीन बेशक अल्लाह ताली फसाद फैलाने वालों को लाइक नहीं करता है तो ये जो है सही रवैये की जो है तलकिन कुछ बुज़ुर्गों ने उसको किए लेकिन इसके जवाब में उसने क्या किया उसने कहा कल इनमा ऊती तो हूँ अलमिनी उसने कहा मुझे जो कुछ भी दिया गया है वो मेरे इल्म के बदौलत दिया गया है यानी ये मेरा टैलेंट का कमाल है मेरे नॉलेज का कमाल है मेरी प्लानिंग का कमाल है उसके वजह से दौलत मैं दौलत इकट्ठा किया हूँ मैं भाग गया था कौन पार्टी जीतने वाली है किसका दौर आने वाला था पार्टी को पहले ज्वाइन कर लिया तो इस लिहाज से उसने कहा कि ये मतलब अल्लाह ताला का इनकार करना क्योंकि बुज़ुर्ग जो है अल्लाह तला के हवाले से जो है वो डरा रहे थे कि अल्लाह ने तुमको दिया है तो तुम भी अल्लाह के बंदों में दो उसने कहा कि मुझे मेरे टैलेंट के बदौलत मिला है मेहनत के बदौलत मिला है तो अल्लाह ताली का गुस्सा आया कि अगर तुम अपने टैलेंट से कमा सकते हो तो फिर अपने टैलेंट से बचा के बताओ अवलम्लाकुर तो वो नहीं जानता कि बेशक अल्लाह तला ने इससे पहले कई कौमों को हलाक कर चुका है मन हुआ अशद्द मिनकुआ जो उससे ज़्यादा क़वत में शदीद थे वह अक्सर वजह और, और उससे ज़्यादा नफरी में जो है तादाद में ज़्यादा थे तो कोई भी कौम अगर ताकत में आती है अगर अपने टैलेंट से अपने नॉलेज से तो फिर अपने आप को डिफेंड क्यों नहीं कर पाती वालायुसल जुनू बहमुल मुजरमून और फिर जब उसकी बारी आती है तो मुजरमों से जो है पूछा भी नहीं जाता उससे राय भी नहीं ली जाती कि आपका क्या ख्याल है तो ये अल्लाह तबारक तआला ने जो है उनको थोड़ी से नसीहत की तो आप देखिए बुज़ुर्गों ने उसको जो समझाया कि नसीहत किया कि दुनिया भी संवारो आखरत भी संवारो अपना भी ख्याल रखो दूसरे का भी ख्याल रखो और एक मैच्योर लाइफ गुजारने की कोशिश करो उसने कहा कि भाई अल्लाह ताला को बीच में से जो है साइड निकाल दो मुझे जो कुछ मिला ना वो मेरी प्लानिंग का हिस्सा है लिहाजा आप अपनी नसीहत अपने पास रखें और फिर वो अपना जो है रोब दबदबा दिखाने के लिए एक दिन जो है ठाट पाठ के साथ निकला फ़खर ज अला कौम ही फ़ी जीनती बस वो निकला अपने कौम पर अपने जीनत में यानि खूब जो प्रोटोकॉल के साथ जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ निकला वो जब निकला है रोड शो करने के लिए एक तरह से ऐसा बुझे ना आज अडानी के जो रोड शो है सिंगापुर में हांगकॉन्ग वगैरह में कल लदीन य हयात दुनिया तो कहाँ उन लोगों ने जो दुनिया के तालिब हैं या तलना मिसलमाऊत या कारून अ काश मुझे भी दिया जाता वैसे जैसे कानून को नवाजा गया है इन नहू लजु हजन अजीम बेशक ये तो बहुत लक्की इंसान है कितना खुशकिस्मत है कि देखिए इसको कितना नवाज़ा है तो ये रोड शो देख करके कुछ लोगों के जो हैं ये राय थी लेकिन जो अहले इल्म थे जो आटे में नमक के बराबर ही क्यों ना हो लेकिन उनकी राय अलग रहती है वक़ाल लदीन अबिल और कहाँ उन लोगों ने जिन्हें प्रॉपर इलम दिया गया है वाई लकुम तबाही हो तुम्हारी सवाब व वा अमल वाम अल्लाह ताला का बदला बेहतर है उस शख्स के लिए जो ईमान अमल साले करे यानी अल्लाह ताला ईमान अमल साले वाले को जो आखिरत में बदला देगा वो कहीं बेहतर है उससे जो कारून को यहाँ पर तुमको दिख रहा कि दिया गया है भला जो लगता है लेकिन वो आखिरत वाला जो है बदलाव नहीं मिलता है मगर सब्र करने वालों को ये जो रोड शो का टेम्पटेशन है इसको कौन बर्दाश्त करेगा ये बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं है अब यहाँ पर सबर से मुराद क्या रहती है सबर से मुराद ये रहती है कि कोई भी गाड़ी वाला सन्नाटे के साथ निकल जाता है मरसडीज़ लेके निक निकल गया कोई ये लेके आईफोन लेके घूम रहा कोई बेहतरीन फ्लैट में रह रहा बंगले में रह रहा फ्रांस सोसाइटी में रह रहा मेट्रो सिटी में रह रहा तो आदमी जो है ना फिर चकरा जाता है फिर रिश्तेदार वगैरह बेशौर सब जो है आगे समझाने लगते हैं तुम्हारे पास भी सलाहित है तुम्हारे पास भी टैलेंट है तुम भी ये कर सकते हो तुम भी वो कर सकते हो अब वो देखता है कि भाई इसके पास भी टैलेंट है इसके पास भी चौबीस घंटा है मेरे पास भी टैलेंट है बल्कि बचपन में मैं तो इससे ज़्यादा से जा टैलेंट था स्कूल में तो मैं इससे आगे रहता था लेकिन मैं अभी पीछे रह गया हूँ दुनिया कमाने में अब दुनिया कमाने में जो स्कूल में आगे था वो पीछे कैसे हो गया स्कूल ड्रॉप जो है वो आगे कैसे निकल गया तो बहुत सारे लोग रहते हैं जो अपने सलाहियत को अपने औकात को दीन के काम में लगा देते हैं तो जब दीन के काम में लगाएंगे तो वो तरक्की कैसे करेंगे वो दीन में तरक्की करेंगे दुनिया में तो नहीं करेंगे और जो दुनिया में लगाएगा वो दुनिया में तरक्की करेगा तो अब यह है कि कोई आदमी डे बाय डे दुनिया में आपके पड़ोस में तरक्की कर रहा है और आप दिन के खातिर जो है नीचे नीचे जा रहे हैं तो ये सबर करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता ये बहुत मजबूत सबर की जरूरत पड़ती है आदमी तब टिक पाता तो ये जो अहल इल्म थे उन्होंने समझाया कि ये कुछ अब हुआ क्या रिजल्ट वबिदारिल वर्स बस हमने धसा दिया उसे भी और उसके महल को भी उसके घर को भी ज़मीन में फमा काना लहू मुनफ़िनसरू नहु मंद तो ना हुआ उसके पास कोई भी ऐसा लश्कर जो उसे बचा पाता अल्लाह के मुकाबले में वमा काना मिनलमंतसरीन और ना वो खुद हुआ बदला लेने वालों में से यानी ना उसका लश्कर कुछ कर पाया ना वो खुद कर पाया अब मामला क्या हुआ जो आम पब्लिक थी जिसको जनता बोलते हैं जो रोड शो को देख रही थी अब ताली फूल जो है बरसा रहे थे और दिल ही दिल में जो तमन्ना कर रहे थे कि ये लोग कितने खुशकिस्मत हैं अब उनकी राय चेंज हो गई रजाना कि आप देखेंगे कि कुछ दिनों पहले कि फला स्टॉक में फला शेयर में ख़रीद करके जो है फला कंपनी में पैसा लगा करके लगेगा कि ये पड़ोसी ये दोस्त कितना लक्की है सारी सलाहें इन्हीं के पास हैं जैसे वो कंपनी डूबती है तो फ़ौर लोगों को लगता है कितना बड़ा बेवकूफ़ है वरना जो है जब कंपनी चल रही होती है उसका शेयर आ रहा होता है तो फिर तो लगता है कि इससे ज़्यादा काबिल इंसान कोई है ही नहीं हीरा गोल्ड में इसने लगाया है अडानी कंपनी में इसने लगाया है अब पता चला जब दोनों जो है धड़ाम से गिर जाते हैं तो लगता है कि बेवकूफ़ नंबर वन है तो यही हाल जो है इनका भी जो है चेंज हो गया वास बहल नदीन तमन्न मकान बिलम्स तो वो लोग जो कल उसके मकाम की तमन्ना कर रहे थे यकूलून वो कहना शुरू कर दिए वई कानल्ला हाय अफसोस बेशक अल्लाह है यफसत रस्क़ यशा वो कुशादा करता है रिस्क को जिसके लिए चाहता है मिन इबादी अपने बंदों में से वकदर और बेशक अल्लाह है जो अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिस्क को तंग कर देता है यानी ये इंसान के टैलेंट का नतीजा नहीं है बल्कि अल्लाह तबारक व ताला के कब्जे कुदरत में है किसी को दे के आजमाता है किसी को ले कर आसमाता है लऊलाम और अगर अल्लाह तबारक व ताला की ख़ुसूसी ब्लैसिंग नहीं होती हम पर ख़ुसूसी फजल ना होता लफा सफा ना तो हम भी इसके साथ जो है धस जाते यानी उसी कैटेगरी में वी आई पी कैटेगरी में हम भी रहते हैं तो हम भी हमारा भी वही अंजाम होता आप समझिए ना कि अगर जो है किसी मुल्क का पार्लियामेंट ही जो है ज्वाइंट सेशन चलते हुए धस जाए तो फिर सारे नेता जो है क्या दुआ करेंगे अच्छा हुआ हम नहीं जीते नहीं तो जीते तो यह पार्लियामेंट के साथ हम भी अंदर चले जाते वही काफिलकाफर और हाय अफसोस मामला यह है कि काफिर लोग किसी भी हाल में फला नहीं पा सकते तो ये जो है क़ारून का किस्सा था जो अल्लाह तबारक वाली ने कितनी आयतों में एक दो तीन चार पाँच छः सात सात आयतों में अल्लाह तबारक वाली ने ये नसीहत दिए और ये बहुत ही ब्यूटीफुल नसीहत है यानी पूरी दुनिया में जितने भी मादा परस्ती के सोच वाले लोग हैं अगर ये सात आयतें पढ़ लें तो फिर उनके जो है पूरा मामला क्लियर हो जाएगा और सारा बुखार उतर जाएगा तो हर इंसान को ख़ुद भी पढ़ना चाहिए अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए और इसका दर्श करना चाहिए सुनना चाहिए सुनाना चाहिए बार बार सुनना चाहिए ताकि ये जंग जो है ये लग नहीं ना पाए ये छूत जो है ये लग नहीं पाए करोना जो है हो नहीं ना पाए